आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सदाबहार सब्जी, लेकिन एक नए अंदाज में। तो चलिए देखिए वो क्या है नया अंदाज। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनर्स किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की सब्जी। ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे कैसे बनाई जाती है उसका पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे ही आपका ऑर्डर आया तो यहाँ पे मटर रखे हुए हैं पहले से। ये फ्रोजन मटर हैं, अगर आपके पास में फ्रेश हैं तो उनको पहले से बॉईल करना पड़ेगा और पानी में रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ में ये आलू हैं उबले हुए, लेकिन ये 50% है। करते क्या है, इसको 50% बॉईल करने के बाद में इसको डीप फ्राई करते हैं और डीप फ्राई करके रख लेते हैं फ्रिज के अंदर। तो ये क्या होगा, ये खराब नहीं होगा जल्दी। फ्राई होने के बाद में आलू जल्दी खराब नहीं होते हैं, लेकिन हम इन आलूओं को डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। आलू मटर की ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज है मीडियम साइज के, 2 हरी मिर्च और ये धनिया की डंठलें जो कि मेरी फेवरेट है। अक्सर मुझे बोला जाता है कि हमारी ग्रेवी खट्टी हो जाती है, क्यों नहीं होएगी? जो टमाटर आप लेते हैं वो खट्टे टमाटर लेते हैं। कभी भी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर लें, खट्टे टमाटर का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर खट्टे टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो ग्रेवी ऑब्वियसली खट्टी ही होगी ना। तो हाइब्रिड टमाटो का इस्तेमाल करना है आपको, और बिल्कुल लाल लाल। टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मिक्सी में मैं डाल देता हूँ इसको 1/4, 1/2 करके। इसी के साथ में धनिया की डंठले भी साथ साथ डाल देते हैं। तो यहाँ पर टमाटर का बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया है। अगर आप पेस्ट बनाना नहीं चाहते हैं तो आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो डंठल हमने रखी थी उसको फाइन चॉप कर लीजिए। 2 प्याज हैं, इनको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। आलूओं को शैलो फ्राई करने के लिए 2 बड़े चम्मच तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम आलू डाल देते हैं। आलूओं को शैलो फ्राई करेंगे हम मीडियम हीट पे। ये आलू पूरी तरह से पके हुए नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, मतलब स्टिर कर सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं। अगर ये पूरी तरह से बॉयल होते 100% तो टूटने लग जाते। तो यहाँ पे मैंने मुश्किल से 2-3 मिनट इसको स्टिर किया और बढ़िया सा कलर आ गया, देखिए। और ये पक भी गए हैं, लगभग 80-90% पक गए हैं, बाकी ग्रेवी में पक जाएंगे। अब यहाँ पे डालेंगे एक अहम चीज़, बताइए क्या है। ये है बेसन। बेसन का जादू दिखाऊंगा मैं आपको सब्जी में। 1 बड़ा चम्मच, 1/2 बड़ा चम्मच। और यहाँ पे पानी कहीं नहीं दिख रहा ना आपको, पानी नहीं होना चाहिए, तेल होना चाहिए। तेल में बेसन को भूनना है। अब बेसन भी भून रहा है, आलू भी भून रहे हैं। बेसन को पानी में नहीं पकाना है, पहले अच्छी तरह से तेल में भूनना है। और बेसन को भूनने में मुश्किल से 1-1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और खुशबू आने लग जाएगी आपको यहीं पे भी। अभी आप इसी के अंदर थोड़े से मिर्च मसाले डालिए तो ये आलू खाने में बड़े मज़ा आ जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे बेसन की बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मटर भी डाल देते हैं, क्योंकि मटर को भी थोड़ा सा भूनना पड़ेगा ना। लेकिन मटर को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो मटर को भूनते भूनते लगभग 1-1.5 मिनट और हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं पकाना है। ये जो मिक्स तैयार हुआ है इससे आएगा सब्जी में मज़ा। इसी सॉस पैन में हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच तेल के, ग्रेवी बनाने के लिए। तेल हमारा गर्म हो गया है, तो यहाँ पे 2-3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4-5 दाने काली मिर्च के और 1 तेज़पत्ता। मैं आपको कहूँ कि अगर ये सब चीज़ें नहीं भी हों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तेज़पत्ता और ये बड़ी इलायची भी रख लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। आपके पास में गरम मसाला पिसा हुआ ना हो तो चलेगा, लेकिन इस तरह के मसाले आप ज़रूर रखें, आपकी सब्जियों में जान ला देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है तड़का लगाने लायक, तो सबसे पहले सारे खड़े मसाले। जब खड़े मसालों से हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए और चटकने लग जाए तब जीरा डालना। जीरे की तड़कने की आवाज़ कम हो गई है, उसके बाद में हम प्याज डाल रहे हैं। ये गया प्याज, प्याज को भूनेंगे हाई फ्लेम पे, लगातार स्टिर करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम स्टिर करना है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के अंदर इस तरह से प्याज नहीं भुना जाता है जब आपकी आलू मटर की सब्जी बनेगी। वहाँ पे OTM पहले से ही ग्रेवी बना के रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा बहुत बढ़िया सा ब्राउन हो चुका है। अब ज़्यादा नहीं करना वरना कड़वापन आ जाएगा सब्जी के अंदर। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि रोस्ट करके डालिए, रोस्ट करके भी डाल सकते हैं और तेल में यहाँ पे भी डाल सकते हैं। 2 तरीके हैं कसूरी मेथी डालने के। हल्का सा भूनना है, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। उसके तुरंत बाद जो टमाटर हमने पीसा था वो डालना है। नमक जाएगा स्वाद अनुसार। अब टमाटर को पका लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च मैं कलर वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसी के साथ में हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1/2 छोटी चम्मच डालें। और काली मिर्च आपको पता है हमेशा
हमेशा फ्रेश कूट के डालनी चाहिए, अच्छी खुशबू आती है। इसका पाउडर कभी बना के मत रखना। इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी और एक घोल तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए मसाला पेस्ट तैयार। तो यहाँ पर टमाटर हमारा आधा पक गया है, पूरी तरह से नहीं पका है, तो अब यहीं पर हमको मसाला डालना होगा। तो जो घोल हमने बना के तैयार किया था मसाले के साथ में, वो डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसको टमाटर के साथ में। अब टमाटर भी पकेगा और मसाले भी पकेंगे। हीट को मैं लो कर देता हूँ और इसको ढक के पका लेते हैं कम से कम 5 मिनट के अंदर। चलिए मसाला चेक कर लेते हैं। और ये देखिए मसाला दानेदार हो गया है। ऑयल तो नहीं छूटा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल हमने डाला नहीं था, लेकिन देखिए किस तरह से दानेदार हो गया है। मतलब अब मसाला यहाँ पे पक गया ना अच्छी तरह से, तो सब्ज़ी बढ़िया बनेगी ही बनेगी। अब डाल देते हैं ये आलू और मटर। भाई ग्रेवी वाली बन रही है तो यहाँ पर डालेंगे गर्म पानी। ये गया गर्म पानी। इसको मिक्स करके पहले देख लेते हैं एक उबाल आ जाए, उसके बाद देखेंगे कितना पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा पानी और डलेगा। बेसन ने अपना काम दिखा दिया है। हमने आलूओं से गाढ़ा नहीं किया है। आलूओं से जो गाढ़ा करते हैं उसकी ग्रेवी थोड़ी अलग ही तरह की बन जाती है। बेसन से जो गाढ़ापन आएगा उससे उसका टेस्ट भी अलग आएगा और उसका गाढ़ापन भी अलग तरह का होगा। अभी एक उबाल का इंतज़ार करते हैं। तो उबाल आ चुका है और ये देखिए बहुत बढ़िया सा गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं चाहिए अपन को। बेसन ने अपना कमाल दिखा दिया है। अब लाएंगे कच्चा वाला टेस्ट। तो ये गई अदरक जिसको मैंने जूलियन काटी हुई है, इसका कच्चा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये गई हरी मिर्च, इसका भी कच्चा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये तो आपको पता है धनिया जाना ही जाना है, और इसका कच्चा फ्लेवर श्रद्धा के साथ में बहुत अच्छा आएगा ही आएगा। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। गर्म मसाला डालना चाहें तो आप थोड़ा सा इत्तू सा गर्म मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत लग नहीं रही है क्योंकि जो खड़े मसाले हमने डाले उसका फ्लेवर बहुत मस्त आ रहा है। सब्जी डन। आलू मटर की ये सब्जी बहुत ही गजब की खुशबूदार बनी है। अरोमा बहुत बढ़िया आ रहा है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।